लेंथी नंबर और आगे जिसका है कि आपके आपको बेक नंबर लगाने के बाद तो किसने मारा बेक नंबर कौन से साइंस का टॉपिक है हमारा वैलेंसी नंबर टॉपिक भी डिस्कस करूं। वैलेंस और वैलेंसी ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवेलेंट आइटम्स व्हिच विद व्हिच इट कैन कंबाइंस और इट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस बॉन्ड दैट इज पॉसिबल फॉर द गिवन एलिमेंट इन केमिस्ट्री वैलेंस आल्सो नोन एज वैलेंसी नंबर valency number is a measure of the number of bonds formed by an atom of a given element. Therefore, it may be described as the number of valency bonds as a given atom has formed or can form with one or more other atoms. For most elements, the number of bonds can vary. The valency of an element depends on the number of valence electron it is having that may be involved in the formation of valence bond. Univalent and divalent atoms. Univalent atoms, monovalent atoms, ions or group has a valency of one. And thus can combine one other atoms or can form one covalent bond. A divalent atom has a valency of two and can be combined with two more atoms or can form two bonds. तो वैलेंसी की आप जब डेफिनेशन लिख लें फिर उसके बाद हम आयन को देखते हैं तो वैलेंसी की आपके पास डेफिनेशन है वैलेंसी की ये वैलेंसी किसको कहते हैं वैलेंसी वैलेंसी इज अ मेजर इट्स एटॉमिक नंबर
Let's make an example of the sodium atom. It has 11 electrons, one in its outermost orbit. Sodium atoms wants to lose this electron. So that can be have also its shell filled. Chlorine atoms has 7 electrons in the outermost shell, and it will take that electron away and have sodium with 10 electrons. तो बच्चों यहाँ पे आयंस के बारे में ये कह रहे हैं कि सोडियम के आखिरी जो ऑर्बिट होता है न्यूक्लियस आ गया इसका. न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी आपके 11 आ गए और इलेक्ट्रॉन भी, सॉरी न्यूट्रॉन भी आपके पास 11 आ गए. फर्स्ट ऑर्बिट में आपके पास 2 आ गए, सेकेंड ऑर्बिट में आपके पास 8 आ गए और थर्ड में आपके पास 8 आ गया. अभी थर्ड में ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 18 होने चाहिए. ऑक्सीजन 18 होने चाहिए. 18 की बजाय इनके पास 1 है. तो जब 1 इनके पास है तो ये 1 को इजीली लूज कर सकता है. बजाय इसकी भी किसी से 17 ले तो ये इसको आराम से इसको लूज कर देता है और इस वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो है क्लोरीन उसको चाहिए होता है तो ये आरएडी को देता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. सोडियम आयंस Na पॉजिटिव नाउ हैज अ 10 इलेक्ट्रॉन दैट इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज न्यूऑन न्यूऑन एटम बट इट इज नॉट न्यूऑन सिंस इट इज मिसिंग एन इलेक्ट्रॉन. इट इज नॉट अ सोडियम एटम आइदर. दिस सोडियम एटम इज समथिंग कंप्लीटली न्यू एंड आयन इज कॉल्ड केशंस. Now sodium is stable. As a sodium has given up electron, it is quietly attractive electrically. Other electrically charged items, ions are known looking at the sodium, seeing it as a good partner to bond with. That is the chlorine comes in. One on the other hand, chlorine atom has accepted 1 electron. Now it has 18 electron, 1 an extra than its atomic number, which is the same number of argon. So now it has become an ion is called anion, Cl negative. यानी कि भाई जो ये आपको जो मैं चीज बतानी है वो ये बतानी है आयंस के बारे में कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. यहाँ पे और दूसरी बात ये कि आयंस के बारे में आप थोड़ा बहुत जान जाए कि आयंस आखिरी ऑर्बिट शेल पे आप लोगों का इनसार करता है. अगर आखिरी में जिसम फॉर एग्जाम्पल के सोडियम का जो लास्ट सेल है इसमें 18 होने चाहिए तो 1 है. अब जो आने वाली क्वांटिटी है वो ज्यादा है और जो जाने वाली है वो कम है. यानी कि 18 के साथ 17 और लगेगी तो तब इसका ऑर्बिट कंप्लीट होगा. ये अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन दे देता है. आखिरी ऑर्बिट अपना खत्म करता है जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाता है. और इसी तरह क्लोरीन जो है NaCl सोडियम क्लोराइड नमक जब वो कंप्लीट बनता है तो ये मतलब प्रोसेस जब होता है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है सोडियम और क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन दे देता है. प्रोटीन क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आयन आ जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाता है. वैलेंसी नंबर की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी. वैलेंसी इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स. मेजर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इट इज कॉल्ड वैलेंसी. और उसके बाद जो दूसरी चीज आपके पास आ गई आयन. आयन के बारे में मैंने आपको बताया कि जब भी दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं केमिकल प्रोसेस करते हैं तो उसके आखिरी ऑर्बिट जो होते हैं उसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपसे कहा था कि इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ये 2n स्क्वायर से होंगे 2n स्क्वायर से होंगे. यानी कि 2n स्क्वायर 2 * 1 का स्क्वायर पहले ऑर्बिट की बात आ गई 2. ये जब दूसरे में जाएगा 2 * 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 * 2 = 8 हो जाएगा और ये 2 * 3 क्या आ जाएगी ये 3 की पावर 2 आ जाएगी 3 × 9 = 18. इसी तरह बच्चों अगर चौथे में हम जाएंगे तो 2 × 4 की पावर 2 आ जाएगा 16 और 32 आ जाएगा. अभी बच्चों देखिए पहले में हमने दो ले दिए कंप्लीट हो गया. दूसरे में हमने स्क्वाड दे दिए वो भी कंप्लीट.
लेकिन इसमें 11 है, इसका एटॉमिक नंबर तो 11 हमने दे दिए, तो यहाँ पर ये तीसरा बाहर आ गया। जब ये तीसरा बाहर आया तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, बजाय 17 किसी से लेने के अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज कर देते और अपने पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। तो इस तरह आपका प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाता है। उसके ऊपर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन लेता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है। तो लिहाजा ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब आप इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।